शानदार होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला दौरा, और ट्रंप के दौरे को त्योहार की तरह मनाने की तैयारियां हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक सड़क से जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप का स्वागत करेंगे 3000 सांस्कृतिक कलाकार। पूरी ताज नगरी को भव्य सजाने की तैयारियां हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, और 24 फरवरी को ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं, और एक तरीके से त्योहार की तरह इस दिन को मनाने की तैयारियां हैं, किसी पर्व से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पहुंच रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे को शानदार बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लिहाजा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उनके ताज के दीदार के लिए करीब 13 किलोमीटर का प्रस्तावित रूट तैयार किया गया है। जगह जगह 3000 कलाकार राष्ट्रपति का मनोरंजन करेंगे। खुद सीएम योगी उनके आगरा आगमन को लेकर तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी की हालत बहुत खराब है, जिस वजह से भारत की किरकिरी ना हो, इसके लिए भी यमुना में पानी छोड़ा गया है ताकि नदी साफ और स्वच्छ दिखे। और ताज नगरी की ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पीएम मोदी को बहुत पसंद करता हूँ। आगे उन्होंने लिखा है कि हम भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करना चाहते हैं, हम ये करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या है अमेरिका चुनाव से पहले, ये क्या ये संभव हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन हम भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करना चाहते हैं, हम ये करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या अमेरिकी चुनाव से पहले ये संभव हो पाएगा, लेकिन हम भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भारत पहुँच रहे हैं। एक सवाल भारत के लोग ज़रूर ट्रंप के दौरे से इतना अगर हम देखें तो उठा सकते हैं, वो ये कि जब कोई बड़ा नेता आता है तभी क्यों इस तरह की तैयारियां होती हैं, या सड़कें साफ होती हैं, सड़कों को बेहतर किया जाता है, नदी को साफ करने के लिए नदी में और पानी साफ दिखे, नदी को साफ ही क्यों नहीं किया जाता पूरी तरह से, नदी साफ दिखे इसलिए नदी में पानी छोड़ा जाएगा, तमाम दूसरी तरह की तैयारियां। बहरहाल तैयारियां जरूर चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के मद्देनजर। उसके पानी के लिए भी हरनौल स्केप से पानी छोड़ने की भी बात हुई है और पानी छोड़ भी दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि पीछे भी अच्छा दृश्य होगा। उसके पानी के लिए भी हरनौल स्केप से पानी छोड़ने की भी बात हुई है और पानी छोड़ भी दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि पीछे भी अच्छा दृश्य होगा। तो सुंदर बनाया जा रहा है आगरा को, उसकी खूबसूरती बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। कौन कौन से होंगे वो रास्ते जिधर से होकर ट्रंप को गुजरना है, वो बताएं आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चौहान ने, सुने। अजीत नगर गेट, जिसे वीआईपी गेट कहा जाता है, उस गेट के पास हमारे साथ यहाँ के जो लोकसभा सांसद हैं वो भी मौजूद हैं, राजकुमार चाहर जी। सर, आप यहाँ पर लोकल हैं, यहाँ पर जो आसपास का इलाका है उससे वाकिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस अजीत नगर गेट से निकलेंगे, इसके बाद किन किन मोड़ से, किन किन रास्तों से होते हुए गुजरेंगे? देखिए, 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगरा आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। ये आगरा का सौभाग्य है, भारत के अच्छे मित्र हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी मित्र हैं ट्रंप साहब, वो आगरा आ रहे हैं ताजमहल देखने जाएंगे। ये मेरा आवास है, यहीं मैं रहता हूँ, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मेरे निवास के बाहर अजीत नगर गेट से उनका काफिला गुजरेगा, और वो खेरिया मोड़ होते हुए और ईदगाह का जो पुल है रेलवे स्टेशन का, वहाँ से चलकर ईदगाह से मुड़ते हुए और वो फतेहाबाद रोड पर जाएंगे, और ऐसे सर्किट हाउस को पार करते हुए शिल्पग्राम होते हुए वो ताजमहल तक पहुँचेंगे। तो ये आगरा के लिए बड़ी अच्छी बात है, ट्रंप साहब आ रहे हैं, पहले क्लिंटन आए थे बहुत पहले, तो उनके स्वागत की भारी तैयारी चल रही है, और आगरा के जनता जो है वो पलक और फावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं ट्रंप साहब का कि वो आएं और हम लोग उनका स्वागत करें। कितनी देर का ये रास्ता है खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक का, और कितना समय लगेगा? देखिए, मुझे लगता है 10 से 11 किलोमीटर के बीच का ये रास्ता है, जब वो एरोड्रम पे उतरेंगे वहाँ से लेकर 2 किलोमीटर अंदर का एरिया, और उसके बाद 10 किलोमीटर ताजमहल तक पहुँचने का एरिया, और वहीं अमर विलास होटल है जहाँ उनको चाय नाश्ता पानी का इंतजाम जो किया गया है प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे में पूरा पहुंचने में बमुश्किल 12 से 15 मिनट उनको लगेंगे, 15 मिनट के भीतर वो ताजमहल में होंगे, और
पहले तो सुनने में आ रहा था कि वो आगरा आने का उनका कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि आगरा में ट्रंप साहब आ रहे हैं ताजमहल देखने, तो आगरा के लोग बेहद खुश हैं। आप देख रहे होंगे कि सब अपने घरों की सजावट कर रहे हैं, अपना एक एक तरह का अलग प्रकार के रंगों से अपने घरों को रंग रहे हैं। तो ये ट्रंप साहब का स्वागत है, वेलकम करते हैं उनका हम आगरा के अंदर। लेकिन अच्छी बात है, कोई दीवार नहीं बन रही। आने वाले 24 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप आगरा में ताज का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इससे पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहां भारत सरकार की तरफ से भी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां पूरी की जा रही है। रास्तों को सजाया जा रहा है, दीवारों में रंग रोगन किया जा रहा है। यहां से जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ताज का दीदार करेंगे और ऐसे में पूरे शहर को चमकाने का दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि माल रोड पर जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं या बड़ी बड़ी जो बाउंड्रीज हैं और जिस पर तरह तरह के जो पोस्टर्स लगे रहते हैं और जिससे एक गलत छवि निकलकर बाहर आती है, तो इसको लेकर बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई का दौर चल रहा है, चमकाने का दौर चल रहा है। पेंटिंग्स जगह जगह बनाई जा रही हैं ताकि जब खेरिया एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाई जहाज उतरे, तो उसके बाद जब वो बाया कार जब यहाँ ताजमहल तक पहुँचेंगे, तो उनको उनकी जो साइट्स पड़ेगी, उनकी नज़र पड़ेगी शहर पर, तो शहर की एक इमेज बेहतर निकल कर आए। तो इसके लिए जगह जगह माल रोड पर आप देख सकते हैं रंगाई पुताई का दौर जारी है, इसके साथ ही रंग रोगन किया जा रहा है और पिक्चराइजेशन इन दीवारों पर यहाँ किया जाएगा। और ऐसे में कुल मिला के यही कवायद है सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों एकजुट होकर लगे हुए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के सामने आगरा की ऐसी इमेज जाए जिसके बाद वो लंबे समय तक ताजमहल को और आगरा को अपने जहन में कैद करके रख सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष ताजमहल का दीदार करने आया तो वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तो ऐसे में एक तरफ ताजमहल का वो की खूबसूरती से प्रभावित हो, तो वहीं आगरा शहर जो एक ऐतिहासिक शहर है उसकी खूबसूरती से भी प्रभावित हों। तो कुल मिला के जो शासन प्रशासन इसी कवायद में जुटा हुआ है, एक बेहतर मैसेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगरा से विदा हों, और यही वजह है कि सारी कवायद इसी को लेकर हो रही है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो अलग अलग रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई जो ये तैयारियां हैं, इन तैयारियों का मकसद यही है, इस खूबसूरती इस साजो सज्जा का, इन तमाम व्यवस्थाओं का मकसद यही है कि एक जहन बने डोनाल्ड ट्रंप का कि आगरा भारत बहुत खूबसूरत है। और इस पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय जिनकी रिपोर्ट आपने देखी वो लाइव भी जुड़ गए। नितिन, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ही बड़े स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है। विश्व बादशाह यानी डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष आगरा आ रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर वो भारत हैं और अहमदाबाद से सीधे आगरा पहुंचेंगे। 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है। और ऐसे में जब आज से 3 दिन पहले जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वी आर कमिंग टू इंडिया और हम ताज का भी दीदार करेंगे, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेकर आगरा प्रशासन, तीनों जो विंग हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आते रहे हैं, लेकिन केवल प्रोटोकॉल तक ही और जो रस्म अदायगी तक ही ताज का दीदार सीमित रह जाता है। लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और कूटनीतिक लिहाज से भारत और अमेरिका की जो मित्रता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव की भांति मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो लगातार तैयारी चल रही हैं और पूरी सरकारी मशीनरी, जो पूरा प्रशासनिक अमला, और खुद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में थे, उन्होंने फतेहाबाद रोड, खेरिया एयरपोर्ट से लेकर फतेहाबाद रोड और ताजमहल तक उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके साथ करीब 1 घंटे उन्होंने अधिकारियों की भी सर्किस हाउस में मीटिंग ली, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ ही रेनोवेशन के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, टाइल्स बिछाई जा रही हैं, दीवारें लगाई जा रही हैं, होर्डिंग बैनर जो फतेहाबाद रोड पर बदरंग हालत करते थे उसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही साफ सफाई से लेकर चमकाई जा रही है, यानी कुल मिला के दुल्हन की तरह आगरा शहर का वो हिस्सा तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, चलिए कम से कम इसी बहाने काम तो हो रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है नितिन कि
जितनी कोशिशें अभी की जा रही हैं, अगर इतनी कोशिशें पहले ही की जाती कि आम आदमी को भी आगरा इतना ही खूबसूरत दिखता, सड़कें इतनी साफ होती, सड़कों पर जो रंगाई पोताई का काम हो पहले से होता, तो शायद इतनी मशक्कत अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जहन बनाने के लिए अब इतनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश नहीं की जाती, जो कि अगर वो आते तो अपने आप उनको आगरा खूबसूरत लगता। देखिए बिल्कुल, देखिए यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई बड़ा वीवीआईपी जब किसी भी शहर में आता है या कहीं आता है, तभी सारी चीज़ें एक बहुत ही कह दें रैपिडली चीज़ें होती हैं, और जो काम लंबे समय से अटका पड़ा हुआ था, स्मार्ट सिटी का काम पड़ रहा है, शहर जगह जगह खुदा हुआ था, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष क्या धूल के गुबार से होकर गुजरेगा, और यही चिंता सरकार को होती है। और ऐसे में पूरी सरकारी मशीनरी इस समय ताजमहल के आसपास नज़र आ रही है, चाहे ADA हो, चाहे PWD हो, जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, सभी जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है। 24 तारीख को शाम को जब राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जब आगरा में होंगे तो 350 कलाकार अंदर होंगे खेरिया एयरपोर्ट पर, और इसके साथ ही कई सारे हजारों की तादाद में जो स्कूली बच्चे होंगे, इंडिया का और अमेरिका का जो फ्लैग लेकर वो सड़क के दोनों किनारे खड़े होंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, इस कूटनीतिक लिहाज से अगर ट्रंप का दौरा, भारत का दौरा महत्वपूर्ण है, तो आगरा एक मोहब्बत की नगरी है, और कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कारोबार है वो ताज नाम से ही उनका अमेरिका के कई शहरों में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप का है, और खुद उनकी जो पत्नी है मेलानिया, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि वी आर कमिंग टू आगरा, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कुल मिला के आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, ताज का वो दीदार करेंगे। इसको लेकर ताजमहल के अंदर भी साफ सफाई चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद चल रही है, एडवांस टीम अमेरिका की काम है वो अपने चरम पर है, सुंदरता का काम अपने चरम पर। आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन धन्यवाद। तो धूल के गुबार से ना गुजरे डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए कोशिश ये की गई कि जहां जहां से गुजरे वहां पर धूल के नामो निशान ना हो। लेकिन एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक जनता जो है सर्वोपरि है, लोक सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं प्रशासन को यह भी चिंता करनी चाहिए कि जिस धूल के गुबार से आप चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना गुजरे, उस धूल के गुबार से कभी आम आदमी भी ना गुजरे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे से पहले एक बयान दिया है, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो आपको सुना देते हैं। I happen to like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event, and the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India.